बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूँ शिवानी, मेरा नाम है कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है मैसेज टीवी चैनल से और वीडियो का नाम है फनी गंजापन मुफ्ती तारिक मसूद कॉमेडी। गंजापन बहुत लोगों को शिकायत होती है। बिल्कुल सही टॉपिक है ये वाकई में, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही टॉपिक है ये। काफ़ी लोगों को शिकायत होती है और काफ़ी इवन लोग ऐसे हैं जो छोटी उम्र में ही शिकायत होती है। हाँ, तो देखते हैं एक बार मुफ्ती साहब क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं डिस्कस। अब तो गंजों के सर पे बाल उगना शुरू हो गए। वाह भाई, मैंने वो चरना में अपनी वीडियो देखी तो मुझे पता चला ऊपर से मामला क्या है, बहुत खतरनाक हद तक। क्योंकि हम जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो सामने से तो नज़र आता हूँ, पट्टे भी नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ वाह भाई वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, कभी इस तरह करके तो देखने का मौका मिला ही नहीं। और इस तरह अगर करेंगे भी तो कौन देखेगा भाई, वो तो हम तो नीचे देखेंगे फिर। तो वो जो चरना की वीडियो उन्होंने जो ऊपर से बनाई, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमें पता चला कि ऊपर का मामला क्या है। ऊपर वो सूरत हाल नहीं है जो साइडों पे है। लोगों के मैसेज भी आए, हजरत यहां तक सूरत हाल खतरनाक होगी, पूरा थाईलैंड का एयरपोर्ट बना हुआ है भाई। मैं खुद भी नहीं, मुझे पता था भाई ऊपर से इतने फारिग हो गए। लंबे बाल जो है ना, लंबे बाल इनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। अल्लाह ने औरत को लंबे बालों में हुस्न दिया है, वो जितना मर्जी बढ़ा लें। मर्द ज्यादा लंबे बाल रखता है ना तो उसकी केयर करनी पड़ती है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक दफा ट्रेंड होना बनता है, जरूरी है। 2013 में भी इसी किस्म की सूरत हाल थी, जब मैं हज पे गया, ट्रेंड करवाई तो बाल निकल आए ऊपर, सब सेट हो गया। अब सोच रहा हूं कि दहशतगर्दी का जड़ से एक दफा खात्मा, एक दफा ट्रेंड कराएंगे तो इंशाल्लाह बाल कुछ तो होगा, इंशाल्लाह कुछ रिपोर्ट अच्छी आएगी। खैर नहीं भी उगे तो क्या करना है, उग जाए तो अच्छा है, अल्लाह तेरी बड़ी रहमत होगी। क्या ख्याल है? तो बाल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहले मैं नहीं समझता था बालों को नेमत, मैं ये समझता था कि गंजा होना क्या है। क्योंकि हम देखते थे भाई तबलीग वाले भी गंजे रहते हैं ज़्यादातर, सब तो नहीं। खानकाहों में हम देखते थे कि जो अहलुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी क्या रहते हैं, ट्रेंड करा के रखते हैं। तो मैं ये समझता था कि ट्रेंड कराना क्या है अफजल। किसी ने बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, और फिर हमने रिवायत पढ़ी कि हज़रत अली फरमाते थे कि मुझे अपने सर से दुश्मनी हो गई, वो एक रिवायत है। तो मैं सर क्या रखता हूँ, सर साफ रखता हूँ। इन रिवायतों से मैं ये समझता था कि, लेकिन जब हमने खुद रिसर्च की, खुद तहकीक की, तो पता चला कि बाल रखना क्या है अफजल। नबी के तो पट्टे वाले बाल थे, सहाबा के भी बड़े बाल हुआ करते थे। दूसरा, बालों में जीनत है, अल्लाह ने बाल दिए रखने के लिए। हदीस में आता है, सही हदीस है। जल्दी से ये बात समझ के अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ कि पिछली उम्मतों में तीन शख्स थे जो बड़ी आजमाइश में थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने पूछा क्या मसला, एक ने कहा कि गुर्बत है, एक को प्रॉब्लम ये थी उसके बाल नहीं थे सर पे, तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो उस फरिश्ते ने कहा क्या चाहिए, फरिश्ता ना मुख्तार कुल नहीं होता। लोग कह सकते हैं जब फरिश्तों से मदद मांगना जायज़ है तो नबी से क्यों जायज़ नहीं है। फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा था कि ये जो इनकी हाजत हो बता दो, वो हाजत मैं पूरी कर दूंगा। तो वरना वो लोग उस वक्त के नबी से भी मांग सकते थे। तो फरिश्ते ने कहा कि भाई ठीक है, तो गंजे के सर पे बाल निकल आए और जो गरीब था उसको अल्लाह ने मालो दौलत दे दी, और जो कोढ़ का मरीज था उसको भी अल्लाह ने शिफा दे दी। फिर वो फरिश्ता दोबारा गया इंसानी शक्ल में, तो उनमें एक शख्स आजमाइश में कामयाब हुआ, शुगर गुजार बना, दो क्या हो गए, नाकाम। तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा था। तो बहरहाल वो किस्सा हदीस लंबी है, वो उसकी तशरीह में चला गया तो मौजू चेंज हो जाएगा। तो उस हदीस से ये पता चला कि ये गंजा होना क्या है अल्लाह की तरफ से, बोलो भाई आजमाइश है। क्या है? आजमाइश। इसी वजह से हज और उमरे के मौके पे गंजा करवाया जाता है, क्योंकि हज भी क्या है, एक आजमाइश है। हज में और उमरे में ऐसे काम करवाए जाते हैं जो हमारी फितरत से मैच नहीं करते। तो इस्लाम तो दीन फितरत है ना,
इस्लाम में सफाई का बहुत ज़्यादा हुक्म है, लेकिन अल्लाह ये देखने के लिए कि तुम दीवाने बने हो कि नहीं बने। हज और उम्रे में अल्लाह कहते हैं एहराम में मैल कुचैल दूर मत करो, थोड़ा सा दीवानापन भी कभी कभार दिखाया करो। इस्लाम में आहिस्ता जिक्र अफजल है, चीखना चिल्लाना पसंद नहीं, मगर हज में और हज में बोला गया जोर से क्या कहो लब्बैक, थोड़ा दीवानापन भी। इस्लाम प्रॉपर ड्रेस पहनने का हुक्म देता है, प्रॉपर ड्रेस पहना करो, लेकिन हज में क्या है अनसिला कपड़ा, बड़े बड़े थ्री पीस सूट और टाई वाले लोगों की पर्सनैलिटी क्या हो जाती है मजरू हो जाती है। अल्लाह कहते हैं दीवाना बन के आना है तो आओ, वरना वहीं रहो, उतारो कोट टाई पैंट वेंट, एक बाजू नंगा रखो शुरू के चक्रों में, ठीक है ना। तो कुछ ये किस्म की ट्रेनिंग है और दीवानगी का इजहार है। और बहुत सारी चीज़ें हज में जितने काम है ना सारे खिलाफ कयास हैं, इस्लाम के उमूमी मिजाज से मैच नहीं करते। कंकरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कंकरियां जब मारी थी तो ओरिजिनल शैतान था वहां पे, अब कोई शैतान थोड़ी है। वो जो उन्होंने पिलर खड़ा किया हुआ है वो तो वो जगह है जहां शैतान था, तो उस जगह को याद रखने के लिए कि मिस ना हो जाए तो उस जगह को पत्थर मारते हैं, वो सुतून मकसद थोड़ी है। तो ये भी खिलाफ कयास है भाई, अब तो वहां कोई भी नहीं है शैतान, बस आप मारो और कंकरियां, और अगर वहां बिलफर शैतान है तो फिर ऐसे क्यों मारो है भाई, ऐसे ऐसे क्यों कंकरियां मारो, तो उठा उठा के मारो। लेकिन क्या हुक्म दिया, ऐसे कंकरियां मारी जाती हैं, सात कंकरियां। अगर कोई वहां खड़ा हो शैतान, बोलेगा शुक्र है जूते नहीं मार रहे, तो जूते मारेंगे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है और अच्छा है, मगर ना ना जैसा बता दिया वैसा कर लो। सफा मरवा की सही है, दौड़ है, ये सब चीज़ें खिलाफ कयास हैं। तो उसी में ये कि एहराम जब तक नहीं खुलेगा जब तक सर पे उस्तरा नहीं चलेगा। तो इन तमाम बातों से पता चलता है कि गंजा होना क्या है, एक आजमाइश है, इतनी बड़ी भी नहीं है, परेशान ना हो जो गंजे बंजे बैठे हैं यहाँ पे, मतलब कि बेहतर है कि बाल हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्या ख्याल है। आदमी बीवी को भी अच्छा लगता है, दोस्तों को भी अच्छा लगता है। कल मैंने एक साहब के देखा पूरा एयरपोर्ट ना कम उम्र में ही, और जब कुदरती बाल गिरते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनता है, वो रनवे बनता है बिल्कुल। उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा आप वैसे ही हेलमेट हैं, बेतकल्लुफी थी उनसे। तो मैंने उनसे कहा बाल लगवा लें यार कहीं जाके, आजकल टेक्नोलॉजी की बरकत से बाल भी क्या लगते हैं, लग जाते। बिल्कुल सही टॉपिक है, और वाकई में इवन मैं एक बंदा जानता हूँ, मेरे पिछले ऑफिस में था, तो उसके भाई के सर पे बाल नहीं थे, उसके साइडों में बाल थे, तो उसने विग अलग लगवाई थी। तो जब विग से पहले जब वो उसको देखा तो अलग नॉर्मल जो पर्सनैलिटी थी वो थी, पर जो विग लगाने के बाद हमने देखा हमें तो भाई पहचान नहीं आया बंदा, मैं कहा यार ये बंदा कौन है, ध्यान से देखा तो पहचान आया भाई। आजकल तो हेयर रिप्लेसमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें आ गई बहुत कुछ, और परमानेंट वाला है, मतलब लंबा है, ऐसा नहीं कि जैसे लेंसेज होते हैं कि आपने लगाया उतारा और लगाया डेली बेस पे लगाया उतारा, वैसा नहीं है, एक बार फिट करवा लिया फिर महीनों तक सालों तक चलते हैं, ऐसे वाला हिसाब किताब है। हाँ पता नहीं क्या आपके बालों के अंदर फिट कर देते हैं, क्या लगाते हैं, क्या ऑपरेशन करते हैं, वो एकदम सही चलता है। हाँ तो ये चीज़ नहीं पता, ये पता लगा कि अगर अगर आपके नहीं है ना तो बार बार उस तरह लगवाओ, वो उससे फिर जल्दी आते हैं। हाँ बार बार गंजे होने से होता है, हालांकि थोड़े हमारा समाज ऐसा है ना कि जो कहता कि गंजा गंजा हो ना, जो बंदा गंजा दिखता है ना उसका मजाक उड़ाते हैं, वो बात अलग है, बट नहीं होना चाहिए सब, मजाक वजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट दुनिया उड़ाती है। अब काफ़ी लोग जो हैं वो गंजे ही रहते हैं, क्या भाई मैं गंजा ही रहूँगा, तो फिर उनको देख के अजीब नहीं लगता, क्यों ना यार तो गंजा ही रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल का खाना पीना कुछ ऐसा है ना आर्टिफिशियल, बाल टूटते हैं तो बहुत छोटी उम्र में बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत कम बाल रह जाते हैं इवन, तो बाल टूटते तो अलग, बाल वाइट हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र में होने लग गए। हाँ तो फिर भी काफ़ी एज के बाद जाके वाइट होना शुरू हो गए मतलब हो ही गए, बट दुनिया के तो 15-15, 16-16 साल के बच्चों के वाइट बाल आने शुरू हो रहे हैं, तो ये पोल्यूशन का कमाल है। जितना पोल्यूशन होकर सिटी में होगा उतना फिर खान पान पे उतना नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, तो बॉडी पे असर पड़ता है, पोल्यूशन बढ़ने से ना फिर बाल बाइटेंगे टूटेंगे झड़ेंगे ये सब होगा फिर। हाँ तो बेस्ट ये है कि अपनी डाइट अच्छी रखो, खाना पीना अच्छा रखो, हरी सब्जियाँ खाओ, दूध पियो,
और जो भी दूध वाले आइटम है वो खाओ, हरी सब्जियां खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है ये। बिल्कुल हाँ, नेचुरली हो जाए से बेस्ट है, अगर भाई ये सब ना करवाना पड़े तो वही सही है, बिल्कुल क्योंकि झंझट है मुफ्त का ना, पैसा पैसा फिर कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, वो बहुत कुछ है, करवाते रहो, ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा ये है। बहुत कुछ जाना पड़ता हूँ। हाँ बहुत चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ मजाक में ले जाते हैं, बट एक्चुअली जिस बंदे के ऊपर मजाक बन जी, पे जाता है बीतती है बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़ें उसके बस में नहीं होती ना, है ना, ये चीज़ें अपने बस में नहीं होती कि ये कैसे हो जाए, क्योंकि अपने तरह से तो कर नहीं सकते कि आ जाएँ फिर चले जाएँ फिर आ जाएँ फिर चले जाएँ, ये होता है। बाकी एक वाक्य ही बताया ना उन्होंने, तीन जो उम्मत थे जिन जिन जिनको पैसा, एक को एक गरीब था एक गंजा था, तो तब इन्होंने बताया कि एक तरह से अल्लाह आजमाइश करते हैं, तो वो जो गंजा था उसके उन तीनों के पास आया था फरिश्ता, तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो उन तीनों ने अपनी अपनी राय बताई कि मुझे बाल चाहिए, उसने कहा मुझे मुझे पैसा पैसा चाहिए, चाहिए। और एक और का बस याद नहीं आ रहा मुझे, तो तब उसके बाल आने शुरू हो गए, और फिर तो उन्होंने बताया कि अल्लाह की आजमाइश थी, तो वो दोनों पास, मतलब तीनों में से दो फेल हो गए थे एक पास हो गया था उस आजमाइश में से, ऐसा कुछ बिल्कुल। था। वो भी बताए थे कि लंबी स्टोरी है और ये हदीस में लिखा हुआ है जो भी है, तो उस हिसाब से अच्छा, तो चलते हैं गाइज, मैसेज टीवी से थी ये वीडियो, आप चाहो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही हमारे चैनल को भी कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।